विनोद जी, पहले पहले इसी पर आइए। आपको विनोद जी अभी भी यह संभावना दिखती है क्या कि अजीत पवार चुनाव के नतीजे के बाद कुछ भी कर सकते हैं, और क्या सिर्फ एक यही इकलौता विकल्प है उलटफेर का, या आपको लगता है कि कुछ और भी नए समीकरण बन सकते हैं? देखिए, नतीजों के बाद क्या होगा इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, कौन किधर जाएगा कौन किधर रहेगा। अगर ऐसी स्थिति आती है तो, अगर किसी पक्ष को एक तरफा बहुमत मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए महायुति या महाविकास आघाड़ी किसी को अगर एक तरफा मिल जाता है, उनकी सरकार बन जाएगी, राज्यपाल बुलाएंगे, शपथ कराएंगे उनके मुख्यमंत्री को, उम्मीदवार को। लेकिन अगर कांटे की लड़ाई में पता लगा कहीं 5 इधर और 10 उधर की जरूरत पड़ती है और कुछ थोड़ा त्रिशंग विधानसभा की स्थिति बनती है, उस वक्त तो कौन कहां जाएगा, कौन हो सकता है के शर्मा और किशोर तिवारी आपस से बात करते नजर आए, कृष्णा हेगड़े और मनमोहन श्रीवास्तव दुबे बात करते नजर आए। वहां एक संभावना है कि अभय दुबे और के शर्मा आपस से बात करते नजर नहीं आएंगे, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। हाँ, बाकी कौन कहां किधर जाएगा, क्योंकि 80 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी का है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी ये शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन टूटा था वो मुख्यमंत्री पद को लेकर टूटा था। फिर एक बार शिंदे जो अलग हुए वो मुख्यमंत्री बनने के लिए अलग हुए, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी एक ऐसी म्यूजिकल चेयर रेस है कि उसके चारों ओर सब घूमते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके बाद क्या स्थिति होगी कहना मुश्किल है, लेकिन ये अच्छा, विनोद जी, ओके। लड़ाई बहुत दिलचस्प और कांटे की है। ओके विनोद जी, आपने जो कहा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों गठबंधनों में सिर्फ बीजेपी इधर जमी रहेगी, कांग्रेस उधर जमी रहेगी, और दोनों के बाकी दो दो दल कहीं भी जा सकते हैं। मतलब शब्द के राजनीति में जिस तरह की राजनीति है उसमें संभावनाएं हैं। अब शरद पवार जी के बारे में नहीं कह सकता कि वो जा सकते होते तब तक चले गए होते। अजीत पवार जरूर निकल गए जो कमजोर कड़ी थी वहां की, तो ये तो मैं नहीं कह सकता। उद्धव ठाकरे जी के बारे में भी एक बात मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि उनसे संपर्क करने की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले नहीं हुई, पर्दे के पीछे से बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन वो महाअघाड़ी के साथ बने हुए हैं। अब अभी तक तो बने हुए हैं और अगर सब कुछ स्मूथ रहा तो बने रहेंगे, लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति में जो पिछले दिनों लगातार पिछले 15-20 सालों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी में जाऊंगा नहीं, मर जाऊं लेकिन मैं जाऊं, उसके बाद जो नीतीश कुमार चले जाते हैं तीसरी बार, मैं लालू यादव के साथ कभी नहीं जाऊंगा फिर चले जाते हैं, मायावती जी तीन तीन चार चार बार जो है गठबंधन तोड़ती है और फिर चली जाती है। तो इसलिए कुछ भी कहना भारतीय राजनीति में मेरे लिए कम से कम बहुत मुश्किल, मैं गारंटी नहीं दे सकता। कांग्रेस बीजेपी जरूर एक दूसरे साथ नहीं जाएंगे, ये गारंटी मैं अभी ले सकता। बहुत बढ़िया। अब अभय दुबे जी ने जो कहा, देखिए इसी डिबेट में सही साबित होता हुआ दिख रहा है कि शिवसेना भी कहीं भी जा सकती है, एनसीपी भी कहीं भी जा सकती है। विनोद जी 20 सेकंड आपके लिए, आपको लग रहा है किशोर जी के तो सुर ऐसे लग रहे हैं कि वो महाविकास आघाड़ी में ले आएंगे शिंदे गुट को, क्या ये बहुत बड़ा क्लाइम डाउन कॉम्प्रोमाइज नहीं है जो पहले कहते थे गद्दार गद्दार गद्दार? विनोद जी देखिए, चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाता है वो सिर्फ नतीजे आने तक रहता है, नतीजों के बाद सारा सिनेरियो बदल जाता है, मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और सत्ता और सरकार कैसे बने ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो इसलिए जब भी 23 तारीख को काउंटिंग होगी और उसके बाद जो नतीजे आएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा सरकार बनाने का, उसके तहत सारी गोलबंदी और छिपबंदी होगी। बहुत बढ़िया। और इस सबके सेंटर में होगी, केंद्र में होगी मुख्यमंत्री की कुर्सी, सारी की सारी 6 पार्टियां वो चाहेंगी कि हमारा मुख्यमंत्री बने। अब देखते हैं त्याग कौन करता है।